वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इस कंपाउंड का आई यू पी एस सी नेम लिखेंगे हम लोग ये सामने आपको स्क्रीन पे जो कंपाउंड नज़र आ रहा है इसका आई यू पी एस सी नाम लिखना है गौर से देखना है इनशाला आपको वीडियो की समझ आ जाएगी चलिए अब इसका नाम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जेहन में रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हम लोगों ने तो इस कार्बन से लेके आप लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस चेन में नौ कार्बन आ रहे हैं बात की समझ आ गई स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट भी किया गया कि ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है आप लोगों ने ये वाली इसके अंदर नौ कार्बन है इसके अलावा आप देख सकते हैं एक ये सब्सिटेंट अटैच है एक ये सब्सिटेंट अटैच है एक ये अटैच है तीन हो गए और एक ये पूरा सब्सिटेंट अटैच है ठीक हो गया मतलब कि टोटल फोर सब्सिटेंट अटैच हैं इस मेन चेन के साथ जब हम इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आप इसका नाम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात क्या करनी है थ्री पोजिशन देख सकते हैं आप लोग ठीक है थ्री की बजाय आप लोग पहले इस सब्सिटेंट का नाम लिखिए कि इस पोजीशन पे अटैच है ये फाइव पोजीशन पे अटैच है तो हम लें सबसे पहले फाइव लिखना है फाइव पोजीशन बताने के बाद इस सब्सिटेंट का नाम अलग से लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि इसके अंदर भी तीन कार्बन अलग से आ रहे हैं एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन इसमें भी वन कार्बन और टू कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम क्या कहेंगे वन कोमा टू डाई मिथाइल ठीक है बाकी ये वाला जो तीन कार्बन है ये कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल इसका मतलब है कि ये वाला जो सब्सिटेंट है इसका नाम है जी वन कोमा टू डाई मिथाइल आइसोपरोपाइल ये इस सब्सिटेंट का नाम हो गया और ये किस पोजीशन पे अटैच है फाइव पे तो फाइव हम लोग बाइड वाली साइड पे लिख देंगे कि ये फाइव पोजीशन पे अटैच है उसके बाद बात करते हैं हम लोग दो सब्सिटेंट जो हैं मिथाइल अटैच है एक मिथाइल ये ग्रुप अटैच है मिथाइल एक ये अटैच है ठीक है जी अब ये जो दोनों मिथाइल अटैच है एक टू पोजिशन पर अटैच है एक थ्री पे अटैच है अब देख सकते हैं टू कोमा थ्री डाई मिथाइल हो गया उसके बाद ये वाला जो फोर नंबर कार्बन है उसके साथ ये एक सब्सटेंट भी अटैच है लास्ट सब्सटेंट जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक दो और तीन कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे फोर किस पोजीशन पर अटैच है जी फोर पे तो हम कहेंगे जी फोर प्रोपाइल ठीक हो गया फोर प्रोपाइल और लास्ट में नौ इसलिए लिखा क्योंकि उसके अंदर टोटल नौ कार्बन है बात की समझ आ गई उम्मीद है कि सारे बच्चों को वीडियो की समझ आ गई है तो इस तरह इसका टोटल नेम होगा ये वाला थ्री जो है ना शुरू पे इसको नहीं आपने देखना है ठीक है आपने यहाँ से स्टार्ट करना पहले इस सब्सिंट का नाम बताना है जी फाइव पोजिशन पर अटैच है ये वाला इतना सब्सिशियट उसके बाद दो सब्सिंट मिथाइल ग्रुप अटैच है एक ये मिथाइल अटैच है एक ये मिथाइल अटैच है, है ये टू और थ्री पोजिशन पर अटैच है उसके बाद फोर पोजिशन पर ये वाला सब्सियट अटैच है तो फोर प्रोफाइल नोनेन तो ये आज की वीडियो थी उम्मीद है कि आपको नाम लिखना आ गया अभी कंपाउंड का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें